हम आज इस क्योंकि पूरे सेक्टर में बात कर रहे हैं तो जो रिसर्च हाउसेज है वो क्या मानते हैं, मिस्टर वैभव अग्रवाल वीपी रिसर्च बैंकिंग एंड एंजल ब्रोकिंग की हमारे साथ हैं। वैभव गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। वैभव, ऑलमोस्ट एक्सिस बैंक से शुरुआत की थी हमने और SBI से नतीजों का अंत किया बैंकिंग सेक्टर के। एग्जैक्टली Q1 से आपको इम्प्रेशन क्या निकला? पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, हम पापा कहते हैं कि खरीदारी करें या नहीं करें बैंकों में, कोई आउटलुक लंबे समय के लिए बनाए या नहीं। वर्स्ट हम बात कर रहे थे Q4 में खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। Q1 में खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। ये कब तक चलेगा? अभी आगे वर्स्ट इज ओवर या इज इट येट टू कम? एक्चुअली यू नो बेसिक पॉइंट यही है कि जब तक जो बोरोइंग सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटल या पावर, उनकी सारी प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होती है, ये उम्मीद करना कि बैंकों के NPAs कम होने लग जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। भले ही रीफाइनेंसिंग हो या रीस्ट्रक्चरिंग हो या NPA हो, किसी न किसी तरह से स्ट्रेस जरूर दिखता रहेगा, क्योंकि जो अंडरलाइंग सेक्टर्स हैं उनमें अभी भी कुछ हद तक स्ट्रेस है। स्पेशली जो मेटल सेक्टर है उसमें पिछले 3 या 6 महीने में चीजें और भी ज्यादा थोड़ी स्ट्रेसफुल हो गई हैं, तो इस कारण से उस सेक्टर से शायद और पेन अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। पावर सेक्टर में धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है गवर्नमेंट मेजर्स के कारण। इंफ्रा सेक्टर में भी गवर्नमेंट का एक पुश है, उससे भी धीरे धीरे शायद थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी ग्रेजुअली NPAs का डेफिनेटली एक पीक शायद बन चुका है, प्लैटो होने लग जाएंगे NPAs, परंतु इमिजिएटली एक जो NPAs में घटना एक जो एक्सपेक्टेशन वो अभी शायद थोड़ा इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, एक दो और क्वार्टर्स कम से कम पेशेंस चाहिएगा इसमें जी। लेकिन अब अगर हम दोनों पॉकेट्स को अलग अलग करके बात करें प्राइवेट बैंक और PSU बैंक, तो मैं शुरुआत प्राइवेट बैंक से करना चाहूंगी। क्वार्टर 15 का जो था वो एसेट क्वालिटी के लिहाज से बेटर था, लेकिन क्वार्टर 4 में हमने देखा है ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स के जो एसेट क्वालिटी है वहां पर एक स्लाइड प्रेशर दिखा है। प्रिसाइसली एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक जैसे बैंकों के एसेट क्वालिटी पर दबाव दिखा है। तो अभी प्राइवेट बैंक की अर्निंग्स को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि एसेट क्वालिटी फ्रंट पर एक दो क्वार्टर्स और लगेंगे इंप्रूवमेंट आने में, तो ऐसे में आपकी टॉप पिक्स प्रिसाइसली अभी प्राइवेट बैंक्स में क्या है पोस्ट अर्निंग्स? एक्चुअली अगर आप प्राइवेट बैंक्स में देखें, भले ही कुछ हद तक उनके भी NPAs में कुछ इंक्रीज देखी जा रही है क्योंकि आफ्टरऑल उन्होंने भी कुछ ये सेक्टर्स में लेंडिंग की है, परंतु अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें तो अभी उनके जो NPA नंबर्स हैं काफी मैनेजेबल हैं। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पर भी देखें तो इस बार भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन थी। ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स की अर्निंग्स कम से कम 18-20% रेट पर भी ग्रो कर रही है, और साथ ही साथ में अगर आप नेट NPA रेशियो देखें, क्योंकि उनके NPA में भले ही इंक्रीज है बट साथ ही साथ में वो उनकी लेंडिंग में भी इंक्रीज है, तो जो नेट NPA रेशियो है उनके इस क्वार्टर में भी हार्डली 2 या 3 basis points ऑन एन एवरेज सारे प्राइवेट बैंक्स अगर मिलाकर देखें तो बढ़े हैं। जबकि PSU बैंक्स में इस क्वार्टर में भी नेट NPA लेवल पे अराउंड 25-30 basis points नेट NPA पे इंक्रीज देखा गया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रही है और उनकी कैपिटल एडिक्वेसी भी स्ट्रांग है, तो इसलिए वो लेंड करने की पोजीशन में भी अब काफी स्ट्रांग है। तो इस कारण से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादातर बैंक्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। टॉप पिक्स के नजरिए से हमें एक्सिस बैंक और यस बैंक अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ ICICI बैंक पे भी हमारा बाय है, और रिसेंटली HDFC बैंक के शेयर्स भी थोड़े अंडर परफॉर्म किए हैं, तो इनफैक्ट उस पे भी हम अराउंड 15% अपसाइड अब देख रहे हैं जी। चलिए अब अरुंधति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली जो जमीनी हकीकत है वो बदलेगी कैसे, कब तक बदलेगी? हमने अभी आज इनफैक्ट आप देखिए GST का टेस्ट होना है राज्यसभा में, GST का लैंड बैंक का क्लियर होना, आई थिंक ये रिफॉर्म्स जो बेस है जो मौजूदा हालात है उसको चेंज करने के प्रोस्पेक्टिव से कितना महत्वपूर्ण है आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि GST का आना बहुत जरूरी है फॉर द इकोनॉमी, फॉर सेंटिमेंट, फॉर एक्चुअल वर्किंग, सब कुछ के लिए GST के बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने सांसद हैं, हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग वोट देके लेजिस्लेचर में भेजे हैं कि उन लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द देश की भलाई के लिए इसको लेके आएंगे। लैंड बिल की जो मामला है, लैंड बिल के मामला में बहुत सारे बातें हो रहे हैं कि अगर वो स्टेट के ऊपर छोड़ा जाए स्टेट भी कुछ कर सकता है। लैंड आपको मालूम है ये कंकरेंट लिस्ट पे है, स्टेट भी इस पे बहुत सारे कार्रवाई कर सकती है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कार्रवाई कर भी रहे हैं।
तो हमारे ये स्टेट्स की कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें अगर ये लैंड के बारे में भी कुछ कहा जाए तो ये भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा. लेकिन मेरा जो अपना ये हमारा पर्सनल सोच है कि इस देश में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. okay. ये पोटेंशियल को पूरा करना सबका ही सबका क्या कहें जिम्मेदारी होती है. तो हम लोग सब अगर अपने आप की जिम्मेदारी निभाए तो जरूर हम लोग को देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी बहुत अच्छी से ग्रो करेगी. जी चलिए अंबेश बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपने रखे आपने इस खास डिस्कशन में. हमारे साथ राधिका राव भी हैं खास सामान बातचीत करने के लिए इकोनॉमिक्स डीबीएस की. राधिका जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका. इस वक्त आई थिंक जो हमारा डिस्कशन है उसका जो सोल इशू है, जो उसका कोर इशू है बैंकिंग. बैंकिंग पर आपका आउटलुक क्या है? आपने Q1 नंबर्स को देखा, आपने Q4 नंबर्स को देखा, हमारी एसेट्स क्वालिटी को देखा, प्रोविजनिंग काफी हार्ड हुई है, प्रोविजनिंग नॉर्म्स काफी टफ हुए हैं. लेकिन ये जो Q1 था मैम एग्जैक्टली आपने प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को देखा, लार्ज कैप को देखा, पीएसयू स्पेस को देखा, इंप्रेशन क्या रहा? आई थिंक कुछ देर पहले जब मैं वैभव से सवाल पूछा था, वर्स्ट इज येट टू कम या फिर इस क्वार्टर में वो ओवर हो गया है? वर्स इज येट टू कम नहीं कह सकते, लेकिन हम ऑलमोस्ट नियर पीक है. जिस आरबीआई ने प्रोविजनल के नॉर्म्स चेंज किए थे, नॉट ओनली फॉर बैड लोन्स की स्ट्रेस एडवांसेस के लिए भी प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, उसके वजह से प्रोविजन का काफी भार पड़ा है. लेकिन दैट इज अगेन एडजस्टमेंट फेज, बट एनपीएल पूरी तरह नीचे आने के लिए आई थिंक ग्रोथ पिकअप करना बहुत जरूरी है. और क्रेडिट ग्रोथ भी ज्यादा पिकअप नहीं हुआ है, इनफैक्ट इट्स एट मल्टी ईयर लोस, एंड रेट्स भी यहाँ से कम होने के लिए ज्यादा संभावना नहीं है. सो इसकी वजह से हमें नहीं लगता कि द वर्स्ट इससे ज्यादा बुरा होगा. लेकिन यस, आई थिंक इट्स गोना रिमेन इन दिस काइंड ऑफ अ फेज एटलीस्ट दो तीन क्वार्टर के लिए बिफोर, जब तक ग्रोथ वापस आए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स वापस आए, तभी वो जो बैड लोन, जो स्टक लोन्स हैं वो क्लियर होंगे. लेकिन एक अच्छा साइन ये है कि आरबीआई ने नॉर्म्स टाइटन किए हैं और ऑल्सो रेगुलेशंस को काफी ओपनली बोला है कि जो जो है बैड लोन्स है उसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है और उसको डिक्लेयर करने की जरूरत है. सो वो टाइटनिंग नॉर्म्स आई थिंक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है. लेकिन ग्रोथ, आई थिंक डोमेस्टिक ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आने के बाद ही बैंक्स को थोड़ा और स्पेस मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस. तब तक गवर्नमेंट पे कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए आई थिंक डिमांड जारी रहेगा. जी लेकिन प्रेशर है आज बैंकिंग स्टॉक्स पर. इनफैक्ट निफ्टी भी 8400 के नीचे 70 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है. वैभव, मैं पीएसयू बैंक्स पर भी आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ. पीएसयू बैंक्स का भी जो क्वार्टर वन शो था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था. प्रिसाइसली अगर मिड कैप पीएसयू बैंकिंग की बात करें तो एसेट क्वालिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, प्रोविजनिंग हो, हर पैरामीटर पर डिसअपॉइंटमेंट आई और यही हाल लार्ज कैप्स में भी था. लेकिन अप्रोच अभी क्या रखनी चाहिए? गवर्नमेंट फंडिंग की बात हो रही है, क्या गवर्नमेंट फंडिंग से आप जो सिचुएशन है, जो फॉर्च्यून है वो आप चेंज होता देख रहे हैं? और अभी इन्वेस्टर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए? किन पीएसयू बैंक्स को चेस किया जा सकता है अभी? एक्चुअली सिर्फ बैंक रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस हो जाने से खाली एक छोटी प्रॉब्लम एड्रेस होती है कि बैंकों को जो एक अर्जेंट जरूरत थी वो उन्हें मिले. परंतु काफी हद तक ये जो कैपिटल जो आएगी वो भी एनपीए प्रोविजंस करने के लिए और एक बैलेंस शीट को थोड़ी सुधारने के लिए यूज हो जाएगी. कितनी ये क्रेडिट ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकती है देखना पड़ेगा. और साथ ही साथ में जिन प्राइजेस पे ये शेयर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं उसके कारण से काफी ज्यादा डाइल्यूशन भी होगा, उनके जो बुक वैल्यू में भी काफी डाइल्यूशन होगा. और अल्टीमेटली मेन बात यह है कि जब तक ये विजिबिलिटी नहीं है कि उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13-14-15% तक पहुंचे, जो कॉस्ट इक्विटी से ज्यादा हो, और जब तक कि उनके नेट एनपीए की जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम ना हो जाए और धीरे धीरे रिवर्स ना हो जाए, तब तक एक काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फंडामेंटल पॉजिटिव व्यू बनाना काफी डिफिकल्ट है पीएसयू बैंक्स पे, क्योंकि जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी बाकी हैं. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. अरुदी दीजिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, इस सेशन में आप शामिल हुई. आई थिंक हमें बैंक्स को लेकर बात करिए.